हाँ जी सर, अपना थोड़ा नाम बताएंगे। मेरा नाम राकेश कुमार उपाध्याय है, मैं और रौजा गांव का रहने वाला हूँ। जिला सारण हुआ? जी सर, सारण जिला के। जी जी, और आप अभी किस पद पर हैं? मैं आर्मी क्लर्क में पोस्टेड हूँ। आर्मी क्लर्क में पोस्टेड है, और कहाँ से पढ़े थे सर? स्टडी पॉइंट से। अच्छा, स्टडी पॉइंट से पढ़े थे आप। स्टडी पॉइंट का बहुत बड़ा उपकार रहा है हमारे ऊपर। जी जी, आप कुछ स्टडी पॉइंट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत से बच्चे हैं जिनको आप संबोधित कर रहे हैं। जी, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस मंच पे कुछ कहने का मौका मिला है। स्टडी पॉइंट एक ऐसा प्लेस है जहाँ से आप एक छोटे जॉब से लेकर बड़े अधिकारी तक की तैयारी कर सकते हैं, और यहाँ पे जो बात करने की, समझाने की जो तरीका है, उनकी सिस्टर है तो ऐसे ही, और बड़ी विश्वास से वो करते हैं, तभी अपने सिस्टर को लाए हैं यहाँ पढ़ाने के लिए। लैंग्वेज है, उस देसी लैंग्वेज में भी समझाया जाता है, और आपके अपने जो लैंग्वेज है इंग्लिश में या हिंदी में, जैसे भी आप समझना चाहे समझ सकते हैं। तो 40% तो ऐसे ही याद हो जाता है इंसान को। सर, अपने गांव के बच्चों के बारे में कुछ बताइए, कौन कौन किस किस पद पर आसीन है जो स्टडी पॉइंट से पढ़े हैं? प्रेम सर जो अभी CDA मुंबई में पोस्टेड है, जो नेवी के अफसर वगैरह जो जहाँ से वो बैठते हैं, और विनय कुमार सिंह जो अभी प्रधानमंत्री के जो बॉडीगार्ड हैं, मेरा भाई राहुल कुमार उपाध्याय जो STF में कमांडो में है, और रवि कुमार जो रेलवे के ड्राइवर है। इस तरह से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो रोजा गांव से निकले हैं, और सरकार उनके ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। इसलिए आप सभी भी अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, स्टडी पॉइंट के ऊपर विश्वास रखें। सबसे बड़ी बात है अपने अंदर विश्वास रखना कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ यहाँ से, तभी आप सफलता, सफलता तो अलग बात है। जैसा आप पढ़ाई कीजिएगा, जैसा आप स्टडी पॉइंट के ऊपर विश्वास कीजिएगा, वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, आप पढ़ाई करते रहिए बस। मैं आप सभी उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी जो है अच्छे पद पे जाए। अच्छा सर, एक आप तो सेना में अच्छे पद पर हैं, जो अभी हाल के समय में पटना वगैरह में कुछ कोचिंग है जी, जो बहुत बच्चों को क्या क्या लक्ष्मी का उदाहरण देते हैं, खेसारी लाल के गाना वगैरह दिखा रहे हैं जी, और पवन सिंह के गाना दिखा रहे हैं जी, और असफलता पर उनके रिजल्ट नहीं आते हैं जी, तो बच्चों को भड़का के आंदोलन करवा रहे हैं जी, तो ये कहाँ तक उचित है? ये सर बहुत गलत बात है। छात्र जो है देश का भविष्य होता है, उसको आगे संचालित करने की अपने अंदर शक्ति रखता है। उसको गलत रास्ते पर लेके जाना किसी भी तरह से, या आपके रिजल्ट नहीं हुए या सरकार ने गलत नियमों का जो है संचालन किया है या बनाया है, अपने अंदर इतना क्षमता रखे कि अगर वो बोलते हैं बोला बीच में मुझे ये फिजिकल लेना है, मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए बोले खुशी से बोलते रहिए कि हाँ मैं करूँगा। लेकिन बेवजह परीक्षा के परिणाम के बाद हड़ताल नहीं होना चाहिए, बेवजह हतोत्साहित नहीं होना है बस। और ये जो कोचिंग वाले कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? संवैधानिक जो है, संवैधानिक तरीके से उनके ऊपर जो है एक्शन लेना चाहिए। जी धन्यवाद जी, बहुत अच्छा आपने विचार दिया है, और मुझे विश्वास है कि बच्चे इस पर अमल करेंगे।